स्टार्ट करते हैं करेक्टर। ठीक है, करेक्टर स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, प्रेस करेंगे कंट्रोल आर, कंट्रोल आर फॉर रूलर। हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे लाइक अपर पार्ट, लाइक चिन, ठीक है, चेस्ट, ओके, बेल्ट मैच कर सकते हो आप यहाँ पे, और हैंड, नी, लोअर पार्ट लाइक शूज, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है। सेंटर पे जाकर आप यहाँ पे सेंटर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो सिंपल सा पार्ट। रेफरेंस का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका रेफरेंस प्रॉपर यहाँ पे मैच नहीं है तो देन आपका काम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, खासकर स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फेस पे काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पे नोज़ मैच करेंगे, नोज़ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, लाइक लिप्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बाकी चीज़ों को हम इसमें फुलफिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल, क्लिक करते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आप ऐड का बटन प्रेस कर देना, देन क्लिक क्लिक क्लिक, ओके, क्रिएट अ न्यू लेयर और एक रेड कलर आप फिल करते हो यहाँ पे और बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है, और कंट्रोल सेमी कॉलन, लाइक ये लाइनें रूलर लाइनें ऑफ करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप चेंज करके सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, ओके, कंट्रोल डी, तो ये सारे रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लाइक प्रॉपर लाइनों के साथ। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर कट करना है, आप चाहो तो इनको मर्ज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक रूलर से हमने सेट कर दिया साइड व्यू हमारे इतना आ जाए, ओके, फ्रंट हमारा इतना आ जाए, देन बैक हमारे पास इतना पार्ट आ जाए, ओके। तब हमें इमेजेस कट करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। इन दोनों को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, एक न्यू लेयर में मर्ज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक PHD फाइल आप सेव कर सकते हो आप इसे, ठीक है, और PHD फाइल फेस्टिवल सेव कर दिया हमने यहाँ पे। अब मैं इसे कट करूँगा, कट करने के लिए मुझे यहाँ पे टूल लेना पड़ेगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ठीक है, मार्केट टूल, क्लिक, ठीक है, सिलेक्शन कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, ठीक है, लाइक जो व्यू का नाम है SID साइड व्यू, एंटर, देन कंट्रोल वी, सेम ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे और चीज़ों के लिए। फाइल को सेव कर लेते हैं हमें, फाइल सेव एज लाइक साइड व्यू फॉर्मेट JPG, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, फॉरवर्ड फ्रंट, कंट्रोल वी, फाइल सेव एज, ठीक है, फ्रंट एंड JPG, ओके, बैक की नीड नहीं, दो रेफरेंस हमारा काम हो जाता है। अगर आपको लगता है बैक की नीड है तो आप बैक रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, बैक मींस बैक, कंट्रोल वी, फाइल सेव एज, ओके, रेफरेंसेस सारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, मैक्स स्टार्ट करते हैं। मैक्स के अंदर मॉडल करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी इमेज साइज़ लाइक फ्रंट है, फ्रंट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, इमेज साइज़, इमेज साइज़ कितना है, अगर आप पिक्सल पे बनाना चाहते हो, इंचेस में बनाना चाहते हो या सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि यार सेंटीमीटर में कैसा दिखेगा, ठीक है, मिलीमीटर में कितना होगा, ओके, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, तो सेटिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक मिलीमीटर में रखूँ तो मैं थोड़ा सा अमाउंट से नंबर ज़्यादा आएंगे, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने मिलीमीटर में किया, यहाँ पे मैंने वेट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, ठीक है, चलते हैं मैक्स में, मैक्स में स्टार्ट करते हैं, लाइक गो टू फ्रंट व्यू, फ्रंट इमेज लगाना है, क्रिएट अ प्लेन, मूव टूल, गो टू मॉडिफाई,
फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट कम करो यहाँ पे, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, एक्स वाई एंड जी सपोज 0 0 कर लो आप यहाँ पे। मटेरियल बॉक्स ओपन करो यहाँ पे, मटेरियल एडिटर, ठीक है, डिफ्यूज के सामने एक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे आप विथ मैप, ठीक है, ओके। इमेजेस में सर्च करना है यहाँ पे, लाइक जो फोल्डर है फोल्डर के पास पहुँचते हैं, ठीक है, करेक्टर लाइक फ्रंट है, फ्रंट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, सेलेक्ट रेफरेंस, यहाँ से थर्ड बटन है आपका असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, और व्यूपोर्ट पे देखने के लिए सो सेडिट मटेरियल इन व्यूपोर्ट, आपका यहाँ पे इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वायर फ्रेम में सेडिट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सामने आपने एक रेड लाइन ड्रॉ कर रखा है, देन उसको ग्रिड से मैच कर दो जिसमें पता चलेगा हमारा रेफरेंस कैसा है, ठीक है, आप चाहो इसे ग्रिड के ऊपर ले आओ, हर चीज़ ग्रिड के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है। इमेजेस है डिफ्यूज हमने देख लिया, कलर के अंदर हम लोग यहाँ पे अमाउंट फुल कर देते हैं ताकि वो और बेटर दिखे यहाँ पे, जो कलर है आप 100 कर देना यहाँ पे, ओके। सेम ये प्रोसेस लाइक साइड के लिए, अब ये जो मैंने प्लेन बनाया इस प्लेन का हाइट वेट कितना है, तो देन वेट मैंने कॉपी किया था, कंट्रोल वी एंटर, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे हाइट कितना है, कंट्रोल सी, मैक्स में गए यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर, तो आपका एग्जैक्ट रेफरेंस का साइज आ जाएगा जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे, और मिलीमीटर में यहाँ पे सेंटीमीटर आप दोनों में चेंजेस कर सकते हो, इवन हमें नंबर ज़्यादा चाहिए तो हम लोग मिलीमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन सेंटीमीटर भी आप यूज़ कर लो, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज मिलीमीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइड व्यू को कॉल करते हैं यहाँ पे, साइड व्यू में आते हैं, राइट क्लिक एंड इमेज साइज, इमेज साइज में आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ने एमएम ले रखा था, विड्थ को करते हैं कॉपी, ठीक है, आप चाहो एक प्लेन फिर से ड्रॉ कर सकते हो या इसकी कॉपी भी ले सकते हो, मैंने प्लेन फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई, ठीक है, हमने क्या कॉपी किया अभी यहाँ पे, वेट, तो वेट हम लोग यहाँ पे चलते हैं मैक्स में, ऑल टैप करके यहाँ पे, ओके, एंटर, हाइट सेम है, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है, एज यू नो लाइक एक्स आपका कहाँ होगा, वाई कहाँ पे होगा एंड जेड कहाँ पे होगा, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे मटेरियल असाइन करना है, डिफ्यूज बिट मैप, ठीक है, साइड व्यू सेलेक्ट एंड असाइन, ठीक है, सो सेट मटेरियल इन व्यूपोर्ट, ओके, और यहाँ पे कलर आपको 100 करना है ताकि फ्लैट दिखे 2D टाइप्स को, देन आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, लाइक सेम मैनेज को भी मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, एक्स वाई एन जी दोनों को बिल्कुल सेट आ गए, अब दोनों को एक साथ मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, पॉसिबल है, फ्रंट को सेट कर दिया यहाँ पे और देन मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइन को यूज़ पता चल रहा है कि अगर कोई रेफरेंस कैसे भी होता है हमें कैसे मैनेज करना है, तो ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपको रेफरेंस को प्रॉपर मैनेज करना है, अगर आपका रेफरेंस प्रॉपर मैनेज नहीं है तो आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं साइड रेफरेंस, अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, लाइक फ्रंट हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया यहाँ पे, इन बॉक्सेस के साथ ही हमें चीज़ों को फिक्स करना है, ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को मैनेज करना, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फ्रीज, ओके, फ्रीज कर दिया, सो फ्रोजन इन ग्रे देन, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, रेफरेंस हमारा सेट हो गया, रेफरेंस सेट करने के बाद हमें क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो रेफरेंस है वो प्रॉपर है या नहीं है, लाइक रेफरेंस सही ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कैरेक्टर फ्रंट में फेस इसका सामने है और साइड में इसका फेस पीछे की तरफ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे,
एंगल में जाके आपको 180 कर दो या 90 कर दो एज यू विश, ठीक है, और देन यहाँ पे आप चीज़ों को रोटेट कर दो यहाँ पे। अगर फ्रंट का फेस सामने है तो साइड का फेस भी सामने होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रीज, डन। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, लाइक बेसिक ज्योमेट्री। तो बेसिक ज्योमेट्री के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज मुझे लेग बनाना, तो मैं लेग बनाने के लिए क्रिएट अ सिलेंडर, ठीक है, और आप इसे रोटेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेगमेंट ध्यान रखना, 12 सेगमेंट से ज़्यादा मत यूज़ करना स्टार्टिंग में, ठीक है। रोटेट कर लो अगर आप यहाँ पे रोटेट करने वाले हो, ठीक है। 90 एंगल आप चेंज करो आप यहाँ पे 90, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस के अकॉर्डिंग चीज़ को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, ओके। हाइट इज योर हाइट, ठीक है। जस्ट ब्लॉकिंग एक सिंपल अबाउट प्रेस करते हैं एम, मटेरियल प्रेस करो, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इस पर असाइन करो मटेरियल, ठीक है। सेगमेंट्स आप यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है। 12 हम लोगों ने साइड रखा है और हाइट सेगमेंट 5 रखा है, ओके। ऑटो की यूज़ करते हैं यहाँ पे, 100 पे लेके आते हैं और देन ऑपेसिटी को कर देते हैं 0। ऑटो की ऑफ़ करो, जिससे क्या होगा हमें यहाँ पे प्रॉपर विजुअल होगा कि कितना हमें यूज़ करना है। जस्ट इसकी कॉपी करते हैं हम लोग हैंड के लिए, कॉपी हैंड का जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कम कर लेते हैं। हैंड में जो आपका सेगमेंट होगा वो होगा आपका 10, ठीक है। इवन आप ब्लैक के लिए भी 10 ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें जो स्टार्ट करना है टॉर्सो, टॉर्सो की भी कॉपी करेंगे यहाँ पे लाइक, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसका जो सेगमेंट होता है 12 और 14 आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 8, 10, 12 हमारा ये रेडियस रहता है, तो 12 हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। रेडियस थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, डू वन थिंग लाइक का भी 10 कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमाइज करते हैं ऑल डब्ल्यू प्रेस करके, सेंटर पे लाइन है, आप यहाँ पे मैनेज करो यहाँ पे, तो वन बाय वन करके लाइक मेरे पास एक ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइक सिंपल सा पार्ट, एंगल ऑफ कर दो यहाँ पे, ठीक है, देन रेडियस, ओके, सेलेक्ट करो मूव टूल, ठीक है। देन आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन को आपको यहाँ पे सेट करना है, क्या बेसिक ब्लॉकिंग आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। फिर से हैंड बनने वाला है कि सेलेक्ट बनने वाला है, ये फुल एंड फाइनल करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज लेग और हैंड दोनों को मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे, टॉर्सो पे चलते हैं, ठीक है। टॉर्सो को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर पे आते हैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, पॉली में कन्वर्ट करते हैं, हाफ चीज़ों को फुलफिल करते हैं, लाइक हाफ का जो पार्ट है सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। सिमेट्री एज यू नो सिमेट्री यूज़ करते हैं यहाँ पे, देन फ्लिप ऑप्शन, ठीक है। वर्टेक्स पे चलते हैं यहाँ पे, शेप्स को देखो यहाँ पे वन बाय वन करके, लाइक आप चाहते हो फ्रंट को या लेफ्ट को, लाइक आप यहाँ पे चाहते हो दोनों व्यू को मैं एक साथ करता हूँ, फ्रंट एंड लेफ्ट F3, थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फ्रंट ज़्यादा विजुअल है, साइड भी ज़्यादा विजुअल होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, रियलिस्टिक को जाओ, सेडिंग पे करते हो यहाँ पे वन बाय वन करके, लाइक साइड में चलते हैं पहले स्केल, ठीक है, स्केलिंग, ओके। यहाँ पे हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लगता है सेगमेंट के नीचे एक दो सेगमेंट हम लोग यहाँ पे देंगे यहाँ पे, ओके। शेप्स देन स्केल देन स्केल, ठीक है, और देन रोटेशन, ओके। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे थोड़ा डील करना, तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग है यहाँ पे, स्केलिंग वन साइड से स्केल कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखना चाहो लाइक मुझे एजिस चाहिए, एजिस पे गए यहाँ पे, ठीक है। मॉडलिंग में एडिट एंड स्वेप फ्लो, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, देन आर फॉर स्केल, ओके। फ्रंट पे गए, देन डब्लू, ओके। वर्टेक्स पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आर फॉर स्केल, देन डब्लू, यहाँ पे मूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चीज़ों को मैनेज किया गया, वही आपको फ्रंट और लेफ्ट से दोनों से मैनेज करना है यहाँ पे। ये रोटेशन कैसे गया है, लाइक सेलेक्ट करो आप यहाँ पे और देन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो।
आर फोर स्केल, जितना पैच करोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे। सेलेक्ट एंड स्केल, ओके। अब फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेलेक्ट कर दिया मैंने आर फोर स्केल, कितना कवर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आर फोर स्केल। एक ऐसे भी स्केल किया जा सकता है, इवन मैं यहाँ पे चाहूँ तो सेलेक्ट करके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट सिलेक्शन या इस चीज़ को मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पार्ट यहाँ पे। अब मुझे लगता है यहाँ पे नीड है कुछ सेगमेंट की, तो मैं सेगमेंट दे सकता हूँ, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। स्विफ्ट लाइक एजिस पे चलते हैं यहाँ पे, ओके, लाइक दो सेगमेंट मुझे यहाँ पे चलते हैं। देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, ये सेप मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इस सेप्स को मैंने थोड़ा सा अंदर तक फुल एंड फाइनल मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगता है डेप्थ है, ठीक है, एजिस में जाओ, ओके, वन प्रेस करके अपने आप चीज़ को और बेटर वे में मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुझे एक एजिस को दो एजिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक लूप राइट क्लिक एंड सेम्फ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके शेप्स के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। क्लॉथ है, उस क्लॉथ का लाइक बेसिक लुक एंड फील क्या है, जो जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को फुलफिल करो आप यहाँ पे। तो आपकी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज होकर देखेंगे कि हमने देखा थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक शेप्स मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक चेस्ट के लिए हमें चाहिए एक सेगमेंट, हम लोग यहाँ पे चेस्ट के लिए एक सेगमेंट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन लेफ्ट से थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ पे सेप आपका यहाँ पे, ओके, बेसिक सेप। बैक से भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर देखोगे तो काफ़ी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं, जो भी हमारे सेप्स हैं उन सेप्स को देख के थोड़ा सा मॉडिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये हैंड है यहाँ पे हल्का सा कर्व होता है, ये बैक का जो पार्ट होता है यहाँ पे बेसिक कर्व होता है, उन बैक के पार्ट को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करके मैनेज करना है यहाँ पे। क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे विजुअल है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक ये पार्ट यहाँ पे गया साइड से, इन दोनों पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे यहाँ पे, और रेफरेंस को हम लोग मैच कर सकें यहाँ पे, ओके। हर एंगल से काम करना है, फ्रंट पे भी काम करना है, साइड पे भी काम करना है, तो बेसिक बेसिक शेप आपके यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें मैनेज करना है, तो सेलेक्ट एंड मैनेज, डन। ये शेप सेलेक्ट में अगर इसको यहाँ पे मैं मैच करता हूँ तो इधर यहाँ पे साइड में डिफरेंसेस दिखेगा, ओके। तो बेसिक शेप हमने यहाँ पे काम किया, और बेसिक शेप के अकॉर्डिंग लाइक यहाँ पे बस पूरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, हैंड का जो पार्ट बनता है ये शेप ऊपर से एक्सट्रूड होगा, देन नीचे से हैंड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक टॉर्सो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, सेंटर लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करो सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, देन स्केल ताकि सिमेट्री में कोई दिक्कत ना हो, ओके। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, देखा जाता है वो बेसिक से बन गया यहाँ पे, अगर आप देखने की कोशिश करो तो बेसिक सिमेट्री आपका रेडी है, ठीक है, बेसिक लुक में आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ओके। बस जल्दी से हम लोग यहाँ पे लेग स्टार्ट करते हैं, लेग के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक ट्रांसपेरेंसी में चलो, ओके, हल्का सा साइड में जाओ और लिटिल बिट रोटेट कर दो आप यहाँ पे, चीज़ों को कितना कवर कर सकते हो यहाँ पे। राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन स्केल, ओवरऑल स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी स्केल होगा ऑब्वियस बात है, ठीक है, अंदर दिख नहीं रहा तो छोड़ दो, ठीक है। सेप से यहाँ पे लाइक जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स पे हमें 3 सेगमेंट रखने की नीड है, लाइक वहाँ पे टर्न करना पड़ेगा एनिमेशन पर्पज के लिए, तो एटलीस्ट 3 सेगमेंट होने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, और लूप। अब यहाँ पे मेरा सेट हो गया, तो देन मैं यहाँ पे चीज़ को मैनेज करके राइट क्लिक एंड सेंफर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डन। प्रेस वन, आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा इस टाइप से
मैच कर सकते हो। पुश पॉइंट्स आप, पुश पॉइंट्स डाउन, स्केल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सूज वाला पार्ट है, सूज वाला पार्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इन लेग वाला पार्ट में बस इतना है, तो मैं एजिस के अकॉर्डिंग स्विफ्ट देन लूप, देन लूप आर प्रेस कर दिया, देन स्केल उसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ओके, यहाँ पे सूज का पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैचेस दे दें हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आर प्रेस कर दिया, यहाँ पे आर देन स्केल, ठीक है। चाहो तो इसे बेसिक शेप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप्स हैं यहाँ पे लाइक, तो हमें फ्रंट से मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फ्रंट पे चलते हैं। यहाँ पे वन साइड स्केल करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं होते हैं यहाँ पे सिंपल सा। अगर मैं लूप सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो लाइन लूप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अपने आप वो लूप सेलेक्ट हो जाएगा, मुझे बार बार सेलेक्ट करके लूप करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पे आपको वन साइड ही स्केल करना है, ध्यान रखना कहीं गलती से आपने यूनिवर्सल स्केल कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आपने यहाँ पे वन साइड स्केल, ठीक है। जितना मैच कर सकते हो आप यहाँ पे मैच करो आप यहाँ पे, काफ़ी रेफरेंसेस दोनों एंगल से नहीं मिल पाती, तो देन थोड़ा सा हम लोग साइड को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रंट नहीं है, ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव ही है। देन सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, देन स्केल, ओके वन साइडेड, ठीक है। अब चाहो इसे सिंपल सीधे नीचे ले जा सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेगमेंट देख के चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिट पे गए स्विफ्ट, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देन आर फॉर स्केल, इसे वन साइड हम लोग स्केल करते हैं यहाँ पे। शूज़ बनाने के लिए आगे के दो पॉलीगन्स लाइक बूट है, तो हम लोग बेसिक पॉलीगन्स को कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। रियलिस्टिक को ऑफ करो यहाँ पे शेडेड, ठीक है। लाइक फोर मैंने पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फोर पॉलीगन, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो जो हम लोगों ने एक्सट्रूड किया पॉलीगन में वो फ्रंट से कहाँ जा रहा है, तो ये फ्रंट से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए, कभी भी प्रॉपर फ्रंट एरिया नहीं होता। यहाँ पर हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे, ओके ऑल्ट आर, ठीक है, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, एक सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे, और देन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, हल्का संदेह तक प्रेस कर दो, बेसिक एरिया आपका आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हम लोग चीज़ को देख सकते हैं लाइक सूज है, सूज को कैसे मैनेज करना है, जस्ट हम लोग कर रहे हैं बेसिक ब्लॉकिंग। बेसिक ब्लॉकिंग के अंदर हम लोग को यहाँ पे सेगमेंट देना है और आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ों को कितना मैच कर सकते हो यहाँ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, लाइक यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स के लिए मैं देखूँ यहाँ पे कि कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। लाइक अब जैसे ये पूरा पार्ट है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट क्लिक सॉफ्ट सिलेक्शन, यहाँ पे यूज सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। कम कर सकते हो इसका इम्पैक्ट कितने दूर तक जाना चाहिए, और देन आप चाहो अगर इसे थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो सीधे रखो क्योंकि रिग में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मॉडलिंग के साथ हमें रिगिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, मॉडलिंग में हमें जो भी चीज़ मॉडल करते हैं रिगिंग के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। लाइक सूज है, सूज़ के अंदर हमें क्या देखना है, सूज़ या बूट को लाइक इसके अंदर हमारे पास मेन पार्ट क्या है कि यार बेसिक शेप क्या होता है, बेसिक शेप जो होता है लाइक टॉप एंड जेट यहाँ पे देखो, तो इन शेप्स के लिए यहाँ पे क्या लाइक आगे से पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होगा, पीछे से थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है, सेंटर में देखा तो थोड़ा सा वन साइड ही निकला होता है, तो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर फोकस कर लें तो हमारे मॉडल में गलती नहीं होगी। एडजस्ट लग करके लूप देन आर फॉर स्केल, स्ट्रेट कर दो इसे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मैनुअली डील करता हूँ, जो अपने आप हुआ वो बहुत बेटर नहीं है,
तो मैं चाहता हूँ मैं मैनुअल थोड़ा सा डील करूँ कि कैसे कैसे पार्ट हैं। देखो यहाँ पे सेगमेंट है, चारों इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑल इक्वल करते हैं, यहाँ पे मैनेज करते हैं मैंने, ठीक है। इवन ऑल ट्रिम करके आप देख लो, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जिनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे परस्पेक्टिव एंड जेड, ठीक है, टॉप एंड जेड, कर सकते हम लोग यहाँ पे। बेसिक सेप कैसा होगा, लाइक मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रिलैक्स अपने आप मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दो आप, यहाँ पे टॉप पे गए, टॉप पे मुझे राउंड करना, तो राउंड करने के लिए तीनों को सिलेक्ट कर दो, डील कर लो आप यहाँ पे, टॉप पे प्रॉपर राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके हम सेप्स को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकाला जा सकता है यहाँ पे। कुछ प्रोसेस है उनको फॉलो करके तो देन आपके सेप्स बहुत अच्छे आएंगे। लेफ्ट में देखा जाए ये पूरा एरिया जो होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं है वो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे F3 लाइक R प्रेस करके मैंने स्केल कर दिया, फिर जाके चीज़ें फुलफिल होती है कि हाँ हमें ऐसा कुछ सेप यूज़ करना है, ठीक है। लाइक लूप है यहाँ पे, लूप की जो कनेक्टिविटी है इसे स्केल कर दो आप यहाँ पे, अगर इसको फिर डील कर दो आप यहाँ पे। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपका फ्लो सही नहीं है तो आपका मॉडलिंग का कोई रोल प्ले नहीं होता, लाइक आपका मॉडल किसी भी काम का नहीं है अगर आपका फ्लो सही नहीं है तो, ओके। वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, ऑल्ट आर, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है। वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और देन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप, सेप्स को वन बाय वन करके आप मैनेज करो, आपकी चीज़ें अपने आप बेटर देखेंगे। सोल है लाइक मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे सोल का जो रोल है ये कुछ पार्ट इस टाइप से, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक इनको हमें थोड़ा सा डील करना पड़ेगा यहाँ पे, सेप्स कर यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ बेसिक सेप्स के यहाँ पे मैनेज करूँगा यहाँ पे। परस्पेक्टिव में चलते हैं, कनेक्टिविटी की सही करते हैं यहाँ पे। कनेक्टिविटी सही करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इनकी कनेक्टिविटी दो लाइक यहाँ पे क्या, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, कट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इनको भी मैं कट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कट, कट में जाके स्नैपिंग ऑन कर दो यहाँ पे वर्टेक्स, ठीक, कनेक्टिविटी यहाँ पे बने यहाँ पे। जैसे इसका कोई रोल नहीं है, मैं कहूँ इस सेगमेंट इसका कोई रोल नहीं है, तो इस सेगमेंट को हम लोग रखने का नीड है, लूप देन कंट्रोल एंड बैक स्पेस काम कर जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे इसने क्वाड बना रखा है, यहाँ पे दो क्वाड है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट करके मैनेज कर दें यहाँ पे। देखना है क्या किसका यूज़ है किसका यूज़ नहीं है, ठीक है, और अगर इसका यूज़ है तो सब लोग रखेंगे यहाँ पे, ओके। आर प्रेस कर दें यहाँ पे, नहीं बेसिक शेप का तो सब लोग स्टडी करेंगे, बेसिक शेप के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इन शेप्स के अकॉर्डिंग स्नैपिंग ऑफ, ठीक है, टॉप हल्का सा साइड यहाँ पे निकला होता है इस साइड से, अगर आपको याद हो, अगर आपने शूज ऑब्जर्व करोगे तो देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि वन साइड ही वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा निकला होता है लिटिल बिट। अब इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेगमेंट चाहिए, ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, ठीक है, तभी वो चीज़ें फुलफिल हो पाएंगी यहाँ पे। लेफ्ट F3, ठीक है, देन टॉप मैनेज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है, और चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा सेगमेंट आ रहा था, हम लोग यहाँ पे सेगमेंट से हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, एडिट में गए स्वेफ्ट, ठीक है, देन यहाँ पे सेगमेंट दे दो तो अपने आप वो चाहिए मैनेज हो जाएंगे। राइट क्लिक करना एड ऑल, फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पे, F3 अंदर कवर करते हैं, ठीक है। बेसिक शेप आपका रेडी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज कितना बहुत है।